नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि लेज़ी पे का जो क्रेडिट लिमिट है उसे जो बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र करते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम आपको दिखाते हैं कि लेज़ी पे का जो अमाउंट है उसे बैंक में कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। तो सबसे पहले आपको लेज़ी पे ऐप खोल के दिखाते हैं दोस्तों। देखिए, यहाँ पर जो मुझे लिमिट मिली है 3000 रुपये की लिमिट मिली है, अवेलेबल लिमिट यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों आप। उसके बाद दोस्तों यहाँ स्कैन एंड पे का एक ऑप्शन आता है दोस्तों, जो मेरे इसमें अभी जो जो अवेलेबल नहीं है, कुछ कुछ लोगों में जो अवेलेबल है दोस्तों, तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं दोस्तों। इस ऐप की लिंक जो है दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप वहाँ जाके इस ऐप में ज्वाइन हो सकते हैं दोस्तों। चलिए हम होम पेज पर चलते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर 3000 रुपये है और यहाँ पर कहीं भी दोस्तों एक कोई भी ऑप्शन नहीं है कि जो हम यहाँ से बैंक अकाउंट में से ट्रांसफ़र कर सके। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ कि इस अमाउंट को कैसे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे थोड़े दोस्तों। तो चलिए हम बैक करते हैं दोस्तों। बैक करने के बाद दोस्तों हम सबसे पहले एक ऐप डाउनलोड करेंगे, इसका नाम है कॉम्बीफायर ऐप को डाउनलोड करेंगे दोस्तों। यहाँ से हम जैसे ओपन करेंगे दोस्तों, ओपन करने के बाद दोस्तों आपको सिंपली यहाँ पर अपना जो मोबाइल नंबर है उससे रजिस्ट्रेशन कर लेना दोस्तों। रजिस्ट्रेशन करने के बाद दोस्तों इंटरफेस कुछ इस प्रकार दिखाई देगा दोस्तों। देखिए यहाँ पर इंटरफेस कुछ इस प्रकार दिखाई देंगे दोस्तों। हम यहाँ पर जो होम पेज है इस पे चलेंगे दोस्तों, और यहाँ पर जो है दोस्तों हम यहाँ पर जो है ऑप्शन में चलेंगे दोस्तों, रिचार्ज के ऑप्शन में चलेंगे दोस्तों। रिचार्ज के ऑप्शन में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर डिजिटल गोल्ड लिखा है, इस पर हम ओके करेंगे दोस्तों। ओके करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो है हम मोबाइल नंबर डालेंगे, अपना जो नंबर है वो यहाँ पर ऐड कर देता हूँ दोस्तों। आप भी अपना नंबर यहाँ पर ऐड कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर सेव गोल्ड लिखा है, आपको सेव गोल्ड पर ओके करना है दोस्तों। आपको यहाँ वैल्यू डालना है दोस्तों। चलिए मैं 100 रुपये डाल देता हूँ यहाँ वैल्यू दोस्तों। 100 रुपये वैल्यू डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए ग्राम लिखा गया 0.019 दोस्तों। यहाँ पर जो प्राइस है वो चेंज होता रहता है दोस्तों। अभी गोल्ड प्राइस चल रहा है 55,062.66 ग्राम यहाँ पर चल रहा है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर आपको करना क्या है, ये रिचार्ज के ऑप्शन पर दोस्तों हमें ओके करना है दोस्तों। ओके करने के बाद देखिए नंबर इज़ नॉट रजिस्टर्ड विथ सेव गोल्ड, तो दोस्तों हमें यहाँ पर जो है अपना नंबर फिर से एक बार जो हम इस ऐप में जो नंबर डाला है वही डाल देंगे दोस्तों। यहाँ फिर से वापस डालने के बाद दोस्तों हम यहाँ पर जो रिचार्ज का ऑप्शन है उसको ओके करेंगे दोस्तों। ओके करने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास जो पेमेंट के ऑप्शन आ चुके हैं दोस्तों। यहाँ पर लिखा आ चुका है मेक पेमेंट रिचार्ज सेफ गोल्ड डिजिटल, और दोस्तों हमें जो है पेमेंट जो है अमाउंट 98 रुपीज़ है। टेक्नोलॉजी फ़ीस जो है 1 रुपये दोस्तों। तो चलिए दोस्तों यहाँ देखिए दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे वॉलेट का ऑप्शन आ गया दोस्तों। तो देखिए दोस्तों यहाँ सबसे नीचे में एक ऑप्शन आया है लेज़ी पे का, तो हम दोस्तों यहाँ लेज़ी पे के ऑप्शन पे हम दोस्तों यहाँ ओके करेंगे। अब यहाँ प्रोसेसिंग बोल रहा है दोस्तों, अब जो है लेज़ी पे का यहाँ पर मोबाइल नंबर मांग रहा है दोस्तों। तो हम अपना लेज़ी पे का जो मोबाइल नंबर है यहाँ पर एंटर कर देंगे दोस्तों। एंटर करने के बाद सेंड OTP भी करेंगे, जो आपका लेज़ी पे अकाउंट है उस पर एक OTP जाएगा दोस्तों। OTP देखिए दोस्तों आ चुका है, यहाँ पर OTP है 67697 दोस्तों। हम इसे एक बार ओपन करके देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो OTP है दोस्तों 6975, चलिए दोस्तों हम यहाँ पर डाल देते हैं 6975 6975। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है वेरीफाई कर देंगे दोस्तों हम। वेरीफाई करने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर कॉम्बीफ्लाई जो है ट्रांजेक्शन जो है वेरीफाई हो चुका है। यहाँ पर जो है रेटिंग के लिए मंग रहा है दोस्तों, तो हम रेटिंग हटा देते हैं दोस्तों। अब दोस्तों ये मैसेज आया है, जो मैसेज को ओपन कर लेते हैं दोस्तों। ओपन करने के बाद देखिए दोस्तों ये जो है लेज़ी पे कस्टमर यूअर पेमेंट 98 रुपीज़ जो है यहाँ पर कॉम्बी फिल्म बाद सक्सेसफुल हो चुका है 18 अगस्त 2021 को दोस्तों। देखिए आज की तारीख 3 अगस्त है, और दोस्तों यहाँ पर जो है सक्सेसफुल पे 18 अगस्त यहाँ पर लिखा है। हमें जो है लेज़ी पे की जो पेमेंट है वो 18 अगस्त को यहाँ पर करना है दोस्तों, ये लिखा रहे हैं दोस्तों यहाँ पर। चलिए दोस्तों हम बैक करके आपको दिखाते हैं जो अपना लेज़ी पे अकाउंट है उसमें पैसे अमाउंट कटा है कि दोस्तों। देखिए दोस्तों हमारा जो है यहाँ से 2,902 रुपये बच्चे दोस्तों, हमारा ये 98 रुपीज़ जो है यहाँ से। देखिए दोस्तों यहाँ पर 3 अगस्त को दोस्तों, देखिए यहाँ पर 3 अगस्त है, 3 अगस्त को दोस्तों यहाँ पर जो है 98 रुपीज़ हमने यहाँ पर पेमेंट कर दी दोस्तों। आप जितनी चाहे उतनी पेमेंट कर सकते हैं दोस्तों, पर आप जो है पर्टिकुलर 1000 1000 के अमाउंट में करिए, ताकि क्या है ये ऐप में थोड़ी दिक्कत भी होंगी तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों। 1000 1000 रुपये के अमाउंट में आप 2-3 बार यहाँ से विड्रॉल कर सकते हैं। देखिए दोस्तों 98 रुपीज़ यहाँ से कट चुके हैं दोस्तों। अब चलते हैं हम दोस्तों यहाँ पर कॉम्बीफ्लाई ऐप में। अब ऐप में चलने के बाद दोस्तों हम इसे बैक करेंगे दोस्तों। बैक करने के बाद पूरा बैक कर देंगे दोस्तों। पूरा बैक करने के बाद दोस्तों फिर से ऐप को ओपन करेंगे दोस्तों। ओपन करने के बाद दोस्तों हम फिर से रिचार्ज के ऑप्शन पर करेंगे दोस्तों। यहाँ पर जो डिजिटल गोल्ड है इस पर फिर से ओके करेंगे दोस्तों। ओके करने के बाद यहाँ पर जो लिखा है देखिए दोस्तों, चेक गोल्ड ट्रांजेक्शन लिखा है दोस्तों, हम इस पर ओके करेंगे दोस्तों। ओके करने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है हमने बाय किया है 97 रुपीज़ का, यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर 12 होवर ही को लिखा है।
अब दोस्तों यहाँ पर जो लिखा है सेल गोल्ड लिखा है, हम इस पर ओके करेंगे दोस्तों। सेल गोल्ड पर ओके करने के बाद दोस्तों हमें जो है यहाँ पर जो है ग्राम लिखना है, अमाउंट लिखना है, बैंक का ट्रांसफ़र लिखना है और टोटल ट्रांसफ़र अमाउंट लिखना है, नेम लिखना है और बैंक अकाउंट नेम, आईएफएससी कोड, ये पूरी डिटेल यहाँ पर अपलोड कर देना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर जो है 0.019 यहाँ पर हम डाल देते दोस्तों। अमाउंट यहाँ पर देखिए दोस्तों ऑटोमेटिक आ चुका है 89.79 रुपीज़ दोस्तों, जो हमने 98 का ख़रीदा दोस्तों और यहाँ पर जो है 89 का ही दिखा रहा है दोस्तों। 10 रुपये जो है इसका जो ट्रांजेक्शन चार्ज है वो लेंगे दोस्तों यहाँ पर ये। अब बैंक के दोस्तों आप किसी बैंक का मंगा सकते हो दोस्तों। चलिए मैं यहाँ पर पेटीएम वॉलेट में मंगा लेता हूँ दोस्तों। पेटीएम वॉलेट एंटर करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो पेटीएम का नंबर है हमें यहाँ पर एंटर करना है दोस्तों। एंटर करने के बाद दोस्तों हमें जो है नीचे की तरफ आना है दोस्तों। यहाँ पर जो सेल गोल्ड लिखा है हम इस पर ओके कर देंगे दोस्तों। जैसे ही हम ओके करेंगे दोस्तों देखिए दोस्तों यहाँ पर जो नंबर है मेरा गलत बता रहा है दोस्तों, फिर से मैं एंटर करूँगा। उसके बाद यहाँ जो सेल गोल्ड है इस पर हम ओके कर देंगे दोस्तों। जैसे ही हम इस पर ओके करेंगे दोस्तों देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे दोस्तों ये जो है आपका डिजिटल गोल्ड है जो सेल हो जाएगा दोस्तों 98 रुपीज़ का। और दोस्तों आपको जो है ये बैंक में दिखाता हूँ ये आया है कि नहीं दोस्तों। देखिए दोस्तों ये मैंने जो है पेटीएम का जो ऐप्स है उसके अंदर मैंने देखिए दोस्तों यहाँ पर कैशबैक रिसीव फ्रॉम लिखा है, ये इस पर लिखा है 88.78 पैसा जो है हमें यहाँ पर प्राप्त हो चुका है दोस्तों 5 अगस्त को। दोस्तों हमने जो जो 3 अगस्त को है सेल जो 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 गोल्ड है वो बाय किया था और 4 अगस्त को हमने सेल किया था और ये 5 अगस्त को हमें यहाँ पर अमाउंट जो है प्राप्त हुआ। तो टोटल मिला के 3 दिन का समय लगा है दोस्तों हमें यहाँ तक पैसा आने के लिए दोस्तों। चलिए आपको दिखा देते हैं वॉलेट में, लेजी पे की वॉलेट में देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है हमने कॉम्बी फायर से जो है 98 रुपीज़ जो है पेमेंट की थी 3 अगस्त 2021 को और हमें जो प्राप्त हुआ है वो 5 तारीख को प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है आप जो अपने अकाउंट में जो है पैसा मंगा सकते हैं लेजी पे का, जो बैंक अकाउंट में उसमें मंगा सकते हो दोस्तों। डेट यहाँ पर दी अगस्त 8/18/2021 को हमको यहाँ पर ड्यू पेमेंट करना है। तो आपको 10 रुपीज़ चार्जेस लगा है, अगर 1000 लोगे तो आपको ये 100 रुपये चार्जेस लगेंगे, अगर 3000 निकालोगे 300 रुपये चार्जेस लगेंगे। तो इस प्रकार से इसमें जो है लेजी पे में चार्जेस लगते हैं। तो वीडियो कैसे लगे कमेंट में बताएगा, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कर सकते हैं हमारे चैनल। धन्यवाद।